शांति। आज की तारीख है 19/3/15। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को आत्मा और परमपिता परमात्मा इन दोनों का जो परिचय है वो स्वयं आकर के दिया है। तो आज भी मीठे मीठे बाप दादा हम आत्माओं को क्या कहते हैं वो सुनते हैं। तो शिव भगवान वाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा, मीठे बच्चे जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं, हाँ शिव बाबा कहते हैं कि तुमको सभी को अपना अपना सिंहासन है, लेकिन मुझे शिव पिता को अपना सिंहासन नहीं, इसलिए इस दादा के सिंहासन पर अर्थात ब्रह्मा बाबा के सिंहासन पर बाप विराजमान है। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका सच्चा लव यानी प्यार एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि भी कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रे। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें, नंबर एक है अपने ऊपर आप ही रहम करना है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी और पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए हमें एडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। नंबर दो है, बाबा कहते हैं संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इस ही अभ्यास से एक रस अवस्था बनानी है। वरदान है आज का, स्वस्थिति की स्टेज पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता कहलाएगा। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी हार खा नहीं सकते, असंभव है। हाँ बाबा कहते ये असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः ही आती हैं। जो सीट से नीचे आते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जी व जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में बाबा कहते हैं खेल नहीं सकते। स्लोगन है आज का, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है यानी पिघला देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, ओम शांति।